देखो दोस्तों, अवकलन में क्वेश्चन दे रखा है U बराबर इकिगात एक्स वाई जेड, तो डी डेल क्यू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड ज्ञात कीजिए। अब U, U एक फंक्शन है जो एक्स वाई जेड में दे रखा है। यहाँ पर डी इकिगात थ्री जो दर्शाती है तीन बार अवकलन हो रहा है, डी क्यू मतलब तीन बार, एक बार एक्स के साथ है, एक बार वाई के सापेक्ष, एक बार जेड के सापेक्ष, तो इस उन तीन बार अवकलन करेंगे। तो सबसे पहले जेड के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, जेड के सापेक्ष, जेड के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, जेड के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर अपना अवकलन जानते हैं, चूंकि पहले बारहवीं या वाई बराबर मान लेते हैं ई की घात एक्स है। अब अगर इसका आप उनको आंशिक अवकलन करना है तो डी वाई अपॉन डेल एक्स, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो ई एक्स का ई एक्स आता है, लेकिन जो इसकी घात होती है उसका भी अवकलन होता है यहाँ, तो एक्स का अवकलन वन बराबर ई एक्स। तो इसी प्रकार इस पद का जेड के सापेक्ष आंशिक अवकलन नाम दे समीकरण एक, इसका नाम रख दिया। अब लिखेंगे डेल जेड, एक बार ही हुआ अभी तो, फिर दो बार, फिर तीन बार लाना है टोटल। तो के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर चूंकि अपन जानते हैं कि डेल अपॉन डेल एक्स यू डॉट वी का आंशिक अवकलन किस प्रकार करते हैं, पहले पद को छोड़ा दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का अवकलन, ये होता है इसमें। तो यहां पर दो सूत्र, तो सबसे पहले एक्स वाई को छोड़ा इकी घात एक्स वाई जेड का अवकलन, प्लस की जगह प्लस लिख दिया, फिर इकी घात एक्स वाई जेड को छोड़ा
इसको छोड़ने के बाद दूसरे पद कांसी का अवकलन डेल अपॉन डेल एक्स एक्स वाई। अब यहां पर एक्स वाई तो बाहर है तो एक्स वाई इसका आंशिक अवकलन e की घात एक्स वाई जेड डॉट एक्स वाई जेड का वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन वाई एक्स जेड तो अचर है वाई का वन हो गया तो एक्स जेड आ जाएगा कोष्टक बंद प्लस e की घात एक्स वाई जेड ऐसे कैसे इसका x के साथ y कैसे आ जाएगा x का वन ये आ गया और इसको लिखेंगे अपन यहां डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y डेल z डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y डेल z डेल स्क्वायर u डेल वाई डेल जेड बराबर एक्स स्क्वायर वाई जेड की घात एक्स वाई जेड प्लस वाई की घात एक्स वाई जेड यहां आगे देखते हैं डेल वाई डेल जेड दो पद आ गए और एक्स वन लाना है तो इसको समीकरण दो नाम दे देते हैं तक एक बार और देख लेते हैं इसको समीकरण दो नाम दे दिया आपने। अब x के सापेक्ष और करने पर इसका मान इस तरह बन जाएगा तो मान आ जाएगा। अब यहां पर लिखेंगे अपन समीकरण दो का एक्स के सापेक्ष समीकरण दो का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर समीकरण दो का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर अब इसको
यहां तक लिख दिया आपने अलग से। एक्स के साथ गुणन आउट होगा डेल अपॉन डेल एक्स यू डॉट वी का आंशिक का अवकलन वी को छोड़ेंगे गुणा की जगह प्लस वी को छोड़ेंगे तो इस सूत्र का वहां उपयोग करेंगे। पहले तो अपने वाई जेड लिख दिया ऐसे कैसे वाई जेड लिखने के बाद में इसका अवकलन करेंगे तो इसको u माना उसको v मान लो तो पहले पद को छोड़ा तो एक्स स्क्वायर इसका अवकलन एकीकृत एक्स वाई जेड और x के सापेक्ष कर रहे हैं तो इसका पद का करेंगे तो x का वन और वाई जेड छोड़ देंगे वाई जेड ऐसे कैसे और x का वन हो गया। अब प्लस इस पद को छोड़ेंगे एक ही घात एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर का टू एक्स कोष्टक बंद एक ही घात एक्स वाई जेड का एक्स वाई जेड डॉट एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो वाई जेड मतलब वाई ऐसे किसी लिख दिया इसका